गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फाइनेंशियल ईयर 2021, जो कि 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है। उसके अंदर इनकम टैक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कि आपको समझना बेहद जरूरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर ये जो मिस्टेक है, ये जो गलती है, इससे बचना कितना जरूरी है वो समझ आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये देख रहे हैं आप, मैंने ओपन करा है क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। 13 अप्रैल 2020 को ये सर्कुलर इशू किया गया। सेक्शन 115BAC जो है वो बेसिकली बात किस चीज की करता है, आप सबको पता होगा कि इनकम टैक्स के अंदर जो स्लैब रेट्स होते हैं, जिस पे टैक्स कंप्यूटेशन किया जाता है, उसमें अब ऑप्शन दिया गया है, आप ओल्ड टैक्स रेट लेना चाहते हैं या आप न्यू टैक्स रेट लेना चाहते हैं। तो जो न्यू स्लैब रेट दिया गया है, उसका जो ऑप्शन लेना है, वो सेक्शन 115BAC के अंदर गवर्न किया जाता है, जिसमें आपको कंडीशंस के साथ, जैसे कि डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका स्लैब रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये ऑप्शन लेने के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो निकल के आ रही है। इसी चीज को लेकर के यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि ऑप्शन कब लेना है, अभी लेना है कंप्यूटेशन के टाइम पे, या फिर जब हम लोग नेक्स्ट ईयर असेसमेंट के टाइम पे जब रिटर्न फाइल करेंगे उस पीरियड में लेना है। सैलरीड वालों को भी ये काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनका TDS जो है वो कटने वाला है, तो एम्प्लॉयर को कैसे पता रहेगा कि एम्प्लॉई जो है ओल्ड में रहेगा या न्यू में। तो उन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। सेक्शन 115BAC ऑफ द इनकम टैक्स इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 With effect from assessment year 2021-22, यानी कि financial year 2021, inter alia provides that a person being an individual or a Hindu undivided family, individual हो या HUFO, having income other than income from business or profession, जिसका income other than business income है, वो जैसे कि salaried, may exercise option in respect of a previous year to be taxed under the said section 115BAC. Along with his return of income to be furnished under subsection 1 of section 139 of the act for each year. हर एक साल के लिए ये ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप ओल्ड रेट्स में रहना चाहते हैं या न्यू रेट्स में रहना चाहते हैं, और आप रिटर्न्स जो हैं वो किसके अकॉर्डिंगली फाइल करेंगे। The concessional rate provided under this section of the act is subject to the condition that the total income shall be computed without specified exemptions or deductions. Set off of losses and additional depreciation. अगर आप ये opt करते हैं कि आपको new tax rate के अंदर जाना है under section 115BAC, तो आपको ना तो कोई exemptions दी जाएंगी, ना कोई deduction आप claim कर सकते हैं, ना ही आप पिछले सालों का loss set off कर सकते हैं, ना ही आप additional depreciation जो है वो claim कर पाएंगे। Representations expressing concern regarding tax to be deducted at source, यानी कि TDS, has been received, stating that as the option is required to be exercised at the time of filing return, the deductor being an employer would not know if the person being an employee would opt for taxation under section 115BAC of the act or not. तो जो मैंने आपको बताया कि employer जब TDS deduct करेगा और अपनी रिटर्न फाइल करेगा TDS की, तो वो कैसे पता कर पाएगा इस चीज को कि जो उसका एम्प्लॉई है, जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा उस टाइम पे ओल्ड रेट रखेगा या न्यू रेट रखेगा। इस चीज की जानकारी एम्प्लॉई को देना होगा एम्प्लॉयर को, नहीं तो एम्प्लॉयर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। हेंस देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी regarding whether the provisions of section 115BAC of the act are to be considered at the time of tax deduction. yani ki jab TDS deduct hoga to kya us time pe section 115BAC ke provisions jo hain usko follow karna hai ya nahi. in order to avoid the genuine hardship in such cases, the board in exercise of the powers conferred under section 119 of the act hereby clarifies that an employee, jo bhi employees hain, having income other than the income under the head PGBP, जिनकी income PGBP की नहीं है वो, and intending to opt for the concessional rate under section 115BAC of the act, may intimate the deductor. अगर आप employee हैं,
आप ये चाहते हैं कि आप न्यू टैक्स रेट में जाना चाहते हैं सेक्शन 115 बी ए सी में, तो आप एक इंटीमेशन दे दें अपने डिडक्टर को, अपने इंप्लॉयर को, बीइंग हिज इंप्लॉयर ऑफ सच इंटेंशन फॉर ईच प्रीवियस ईयर एंड अपॉन सच इंटीमेशन द डिडक्टर शैल कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड मेक टीडीएस देयर ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 115 बी ए सी। तो आप जब इंटीमेशन दे देंगे तो इंप्लॉयर जो है फिर आपका जो टीडीएस काटेगा उसके लिए कंप्यूटेशन करेगा, और वो जो कंप्यूटेशन होगा वो होगा न्यू टैक्स रेट के आधार पे। इफ सच इंटीमेशन इज नॉट मेड बाय द एम्प्लॉयर शैल मेक टीडीएस विदाउट कंसिडरिंग द प्रोविजंस। अगर आप एज अ इम्प्लॉई ये इंटीमेशन नहीं देंगे तो इम्प्लॉयर जो है ओल्ड टैक्स रेट में ही आपका टीडीएस कंप्यूट करेगा और उसका टैक्स डिडक्शन करते हुए रिटर्न फाइल कर देगा। इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट द इंटीमेशन सो मेड टू द डिडक्टर शैल बी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग दैट ईयर। चूंकि ये ऑप्शन हर साल के लिए होता है, तो जो आपने ऑप्शन इंप्लॉयर को दे दिया टीडीएस काटने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ टीडीएस के पर्पज के लिए होगा और उसको ड्यूरिंग द ईयर चेंज नहीं किया जा सकता। तो क्या जब हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम पे भी इसे चेंज नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। हाउएवर द इंटीमेशन वुड नॉट अमाउंट टू एक्सरसाइजिंग ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 115 बी ए सी ऑफ द एक्ट एंड द पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू डू सो along with the return to be furnished under subsection 1 of section 39 of the act for that previous year. Thus, option at the time of filing of return of income under section 39 of the act could be different from the intimation made by such employee to the employer for that previous year. Iska matlab ye hua ki suppose aapne April 2020 mein for the financial year 2021 apne employer ko ye keh diya mujhe jo hai टैक्स कटवाना है न्यू टैक्स रेट के हिसाब से, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके पास फिर से ऑप्शन है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो न्यू टैक्स रेट में जाएंगे या ओल्ड टैक्स रेट में जाएंगे। टीडीएस के लिए आपने क्या ऑप्शन लिया है उससे आपके रिटर्न फाइलिंग के टाइम का जो ऑप्शन है वो इंटैक्ट रहेगा, उसका कोई इंपैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को लेकर के काफी अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आप अभी क्या कर रहे हैं और बाद में क्या करना पड़ेगा। Further, in case of a person who has income under the head PGBP, अभी तक जो हमने बात करी वो बात करी income other than PGBP, अगर आपके पास PGBP की income भी है, the option for taxation under section 115 BAC of the Act, once exercised a previous year at the time of filing of return of income under subsection 1 of section 139 of the Act, cannot be changed for the subsequent previous years. Except in certain circumstances, अगर आप business income दिखाते हैं और business income को करते हुए किसी भी एक previous year के अंदर अगर आप ये option ले लेते हैं कि हम लोगों को section 115 BAC के अंदर tax rate calculate करना है, तो अब आप subsequently जो next previous years होंगे उसमें आप उस option को change नहीं कर पाएंगे। Accordingly, the above clarification would apply to such person with a modification that the intimation to the employer in his case for subsequent previous years must not deviate from the option under section 115 BAC of the act once exercised in a previous year. तो एक बार आपने 115 BAC का option ले लिया for the purpose of TDS deduction, उसको आप change नहीं कर सकते during the year, लेकिन जब आप अपनी return file करेंगे under section 139 subsection 1, तो आपके पास option रहेगा कि आप 115 BAC दोबारा से choose कर लें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, काफी लोगों को ये चीज अभी नहीं पता है जिसकी वजह से उनका टैक्स डिडक्शन जो है वो गलत तरीके से हो सकता है। तो आप इस चीज का कॉग्निजेंस लेकर के जल्द से जल्द स्टेप जो है ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो इनकम टैक्स के अंदर जो लिमिटेशंस हैं उसको कैसे फॉलो करना है। अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।